सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। आप सभी को मैं बताने वाला हूँ विंजो वर्ल्ड वॉर बिग अमाउंट्स गेम ट्रिक, कैसे आप लोगों को बिग अमाउंट्स के गेम में कार्ड को सिलेक्ट करना है और विन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ। आप लोग कैसे ऐसे खेल के विन कर सकते हो और कैसे नहीं खेलना है वो भी बताऊँगा। सबसे पहला बात, जो भी मेरे भाई लोग मेरे चैनल पर नए नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर दो। और जो भी मेरे भाई लोग अभी मेरे चैनल पर कभी नहीं आए हो तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है गिवे, जो कि होने वाला है फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट, मोर 20 कमेंट्स को गिवे बनने के लिए टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जाना है आप लोग को, टेलीग्राम पे सर्च करना है एसबी टेक्निकल, ऐसा आप लोग को चैनल देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को बस ज्वाइन करना है और आप लोग को वहां पर फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाला है, ठीक है। 193 रुपीज का विनिंग हुआ है, जो कि 100 रुपए का गेम है। सिंपली यहाँ पर बोल सकते हो कि डबल यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। आप लोग कैसे 2 गुना 3 गुना तक प्रॉफिट कर सकते हो, खास करके बिग अमाउंट्स के गेम में। तो बिग अमाउंट्स गेम ट्रिक है, तो ये सिर्फ बिग अमाउंट्स के गेम में ही खेलना आप लोग। काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि सभी को पता है अपडेट आने के बाद अभी हम लोग उतना गेम नहीं खेलेंगे, बहुत कम खेलते हैं और सभी को मैंने ये बता के रखा है। बट आप लोग को एक्चुअल में वही बिग अमाउंट्स के गेम अगर आप लोग मान लो पूरा दिन के 10 गेम भी खेलते हो तो कैसे खेलना है आप लोग को, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, मैंने यहाँ पर अभी रिक्स कार्ड को सिलेक्ट किया, फिर सेव रिक्स कार्ड है आई थिंक, और ये गेम अभी विन हो रहा है। और यहाँ पर जो मैंने पहले एक ट्रिक बताया था, जो कि मैंने बोल रहा था शायद अगले वीडियो में, कि जब भी भाई लोग प्लेयर का डिफरेंस रहे, बहुत कम प्लेयर का डिफरेंस रहे, जैसे कि यहाँ पर प्लेयर का डिफरेंस टोटल 50-70, यहाँ पर अभी ज़्यादा हो चुका है, बट थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 5 या फिर 6 प्लेयर का डिफरेंस था, बट यहाँ पर अभी ज़्यादा हो चुका है, बट यहाँ पर 20 प्लेयर्स का डिफरेंस है। और अभी यहाँ पर ये गेम भाई लोग हम लोगों ने विन कर लिया, रिस्क कार्ड है और रिस्क कार्ड भाई लोग विन कर चुका है, रिस्क कार्ड कोहली है, यहाँ पर ये गेम विन हम लोग कर चुके हैं। बट हर बार आप लोग को कब क्या देख के सिलेक्ट करना है, सबसे मेन चीज़ है प्लेयर का डिफरेंस। बट प्लेयर का डिफरेंस हर बार काम में नहीं आता, ये हर बार काम में आता है बट हर एक जगह में धोनी कि अभी हम लोग को नहीं पता है ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि अपडेट आने के बाद चेंज हो चुका है गेम, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है प्लेयर्स का डिफरेंस, दो चीज़ है सबसे ज़्यादा मेन। उसके बाद है विनिंग, जब आप लोग कार्ड को सिलेक्ट करने जाते हो तो जो विनिंग शो होता है रिस्क कार्ड पे, सेव कार्ड पे, उसके भी इंपॉर्टेंस है, बट उसके इंपॉर्टेंस हर टाइम नहीं है। उसके इंपॉर्टेंस है जब 40% से ज़्यादा होता है तब, और 20% से कम होता है तब, उसका तभी वही लोग वैल्यू है। और कैसे है मैं बताता हूँ, जब 20% से कम हो प्लेयर का डिफरेंस, 10% से कम हो, तब आप लोग उस टाइम पे करना क्या है, मान लो किसी साइड में 90 का प्लेयर है, किसी साइड में 80 का या फिर 70-75 का प्लेयर है, तो उस टाइम पे वही लोग आप लोग रिस्क बहुत कम डिफरेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे कोहली को आप लोग सेलेक्ट करना और विनिंग को नहीं देखना, ठीक है, विनिंग को मत देखना। और अगर बात करूँ 40% से ज़्यादा तो उस टाइम पे विनिंग इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोहली रिस्क कार्ड है तो वहाँ पर कोहली के कार्ड पर विनिंग रहा तो आप लोग उसको सिलेक्ट करो। धोनी अगर है तो धोनी सिर्फ भी है, विनिंग नहीं है तो भी यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है और यहाँ पर एक्चुअल में विनिंग हो रहा था और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ये गेम हम लोगों ने विन कर लिया। तो जैसे मैंने बताया वैसे कार्ड सेलेक्ट करना। और उसके बाद बीच का मैं बता दूँ, जैसे कि 40% से लेकर 20% या फिर 15% तक, ये आप लोग को कैसे खेलना है, उस टाइम पे आप लोग को ये करना है, रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करना है। बट एक दो बार क्या होता है, अगर रिस्क कार्ड पर ही विनिंग है, मान लो ऐसे आप लोगों ने सेलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है, जैसे कि जैसे 50-70 है और इस कार्ड पे ही विनिंग है, तो वहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट कर सकते हो। बट नेक्स्ट गेम में भी ऐसा ही हो रहा है तो उस टाइम पे आप लोग सेव कार्ड को सिलेक्ट करो, ठीक है। काफ़ी इजीली मैंने बता दिया, बट मोस्टली रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करना है उसे, जब मैंने बोला 40% से लेकर 15% के बाद का जो प्लेयर का बीच में डिफरेंस रहा है, वहाँ पर कभी भी ऐसा हो आप लोग ऐसे खेलना जैसे मैंने अभी बताया है। तो अभी आप लोग को करना क्या है, सिंपली अभी आप लोग को टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, जो कि मेरा अभी इसका भी नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल का भी, एसबी टेक्निकल, यहाँ पर ऐसे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को टच करना है, ज्वाइन होना है, गिवे मिलता है। कैसे गिवे बन पाओगे आप लोग, गिवे बनने के लिए सिंपली सबसे पहला चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए कि कैसे आप लोग गिवे बन सकते हो। गिवे बनने के लिए एक चीज़ करना पड़ता है, चैनल पर ज्वाइन होना पड़ता है मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। 1-1.5 घंटा पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस टाइम पर वीडियो आएगा, आप लोग को रेडी रहना है। और जैसे ही वीडियो आता है आप लोग जाके कमेंट करते हो, तुरंत वीडियो वॉच करते हो, लाइक शेयर करते हो, और टॉप 20 में अगर आप लोग का कमेंट होता है तो आप लोग को गिवे विनर बन जाते हो। और जब वो अनाउंस होता है तब आप लोग को पैसे भी मिल जाते हैं। तो जो भी मेरे भाई लोग लाइव स्ट्रीम इस वीडियो में नए नए हो, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।